शांति। सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। माना मधुबन यज्ञ से सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष अटेंशन की पॉइंट आई है। परमात्म महावाक्य है ये, बाबा ने कहे हैं तो वो हम सब ब्राह्मण बच्चे सुनते हैं, जो विशेष अटेंशन देने के लिए ये महावाक्य आए हैं। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है, वही श्रीमत है। इसीलिए ये मुरली ही श्रीमत है, ये मुरली ही साकार बाप दादा है, हमेशा ऐसे समझ के चलो। वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है, वही श्रीमत है, बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो, मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है। माना ये मुरली ही सब तक जाती है, यही वो पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहां भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि सबने देखा ही है दूसरे दूसरे रास्ते किस तरह से बने और किस तरह से बाबा का नाम लेके सब अपनी तरफ सबको आकर्षित करने पर लगे हैं कि हमारे पास भीड़ होनी चाहिए, या क्या वो उन्होंने सोच के उन सब चीजों को कर रहे हैं, ये तो वही जाने। तो इसीलिए मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हरेक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। और कोई ये कहे कि उस मधुबन में अब कुछ नहीं, सब कुछ हमारे पास है, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। वहीं से सबका चल रहा है, वो बीज है, उससे ही सबकी पालना हो रही है, तो बीज को कैसे भूल जाते हैं। ब्राह्मण है पर ब्राह्मण ये तो ना भूले किसकी संतान है। ब्रह्मा की संतान है तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो मधुबन घर माना मधुबन यज्ञ, उसकी संभाल करना सीखें, उसका निरादर नहीं। दूसरा कोई ऐसा मधुबन नहीं है कि जहां से सब बाबा से कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ना करके मधुबन घर का मान सम्मान बनाए रखें। कोई भी ये कहे कि बस हमारे पास ही बाबा है और कई बाबा नहीं है, तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ा झूठ है। बाबा आज भी मधुबन घर से सबकी पालना कर रहे हैं। तो आप भी जो मुरली पढ़ते हो तो मधुबन घर से आती है ना, यही एक पाठ जो सभी बच्चे पढ़े। ओके, ओम शांति।